जबरदस्त ठंड है। बहुत ही जोर की हवा है यहाँ पे, पीछे देख सकते हो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 8 बजे है। अभी हम लोग हैं नुब्रा वैली के हुंडर विलेज में। हुंडर विलेज में कल रात के लिए ये हमारा कैंप था जिसका नाम है लुम्बिनी कैंप। प्लान ऐसा है कि यहाँ से हम लोग अभी जाने वाले हैं पेंगोंग लेक, उसके बाद निकलने वाले हैं लेह के लिए। तो यहाँ से लगभग हमें 4-5 घंटे लगने वाले हैं पेंगोंग लेक के लिए। वहाँ पे 1.5 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे लेह। आज की टोटल जर्नी होगी हमारी 11 से 12 घंटे की। गणपति बप्पा मोरिया। नुब्रा टू पेंगोंग ये रूट लद्दाख का सबसे खूबसूरत रूट में से एक है। एक तरफ बड़े बड़े पहाड़, दूसरे साइड पे व्हाइट सैंड और कुछ जगह पे रोड के साइड में खूबसूरत ट्रीज। ये सारे सुंदर नज़ारे देखकर नुब्रा से जाने का मन नहीं होता। नुब्रा में दूर पहाड़ों के ऊपर घने बादल दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है अभी जोर का तूफान आने वाला है, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। नुब्रा से पेंगोंग के लिए जाने वाला रास्ता ब्यूटीफुल शोक रिवर के बाजू से होते हुए जाता है। इतने सारे सुंदर नज़ारों की वजह से नुब्रा वैली इज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन लद्दाख। हुंदर नुब्रा वैली से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद बीच में हम लोग रुके हैं। हुंदर से 30 किलोमीटर फिर से रिटर्न आने के बाद एक मोड़ आता है पेंगोंग के लिए, वहाँ से शॉर्टकट है। वहाँ से ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर पे पेंगोंग है। तो कुल डिस्टेंस नुब्रा वैली से पेंगोंग का है 160 किलोमीटर। द शोक वैली इज द वैली ऑफ शोक रिवर, इसे रिवर ऑफ डेथ भी बोला जाता है। पुराने जमाने में ये सेंट्रल एशिया टू लद्दाख का ट्रेडिंग रूट हुआ करता था। जर्नी के दौरान बहुत से लोगों की मौत होती थी, जो स्ट्रांग होते थे वही बच जाते थे, इसलिए इसे रिवर ऑफ डेथ कहते थे। द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर द शोक वैली इज बिटवीन मंथ ऑफ जून एंड सितंबर। विंटर में पूरी वैली बर्फ से ढकी हुई रहती है। नुब्रा से 60 किलोमीटर के बाद अभी हम लोग पहुंचे हैं अग्यम विलेज के पास, और यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पे है पेंगोंग लेक। यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है हमें, और अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक मेटल ब्रिज बनाया है शोक रिवर के ऊपर। वैली के बाजू बाजू से जो आ रहे थे हम लोग, तो वो शोक रिवर थी। अभी पानी कम है, बट ज़्यादा बर्फ़ पिघलने के बाद बहुत बड़ी विड्थ होती होगी शोक रिवर की, बट अमेजिंग व्यू होता है यहाँ पे, अमेजिंग। एक तरफ पूरा रिवर का व्यू, दूसरी तरफ बड़े बड़े पहाड़, और उसके बीच में से हम लोग जा रहे थे। क्यूट है ना, क्या नाम है इसका? नहीं नाम नहीं रखा क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सचिन गैनपुंग। सर्जिंग। अच्छा, अग्यम शोक रोड इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड। 5 साल पहले ये रोड एग्जिस्ट भी नहीं करता था। अगर नुब्रा से पेंगोंग जाना होगा तो आपको लेह होकर जाना पड़ता था, विच वॉज टेकिंग अनदर वन डे। स्पेशल थैंक्स टू BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अभी रोड कंडीशन बहुत ही स्मूथ है एंड बहुत कम समय में नुब्रा से पेंगोंग पहुंच सकते हैं। कुछ जगह पे आप ऑफ रोडिंग का भी मजा ले सकते हो। रास्तों में मिट्टी के एंड अनस्टेबल पहाड़ आपको डरावने भी लग सकते हैं, बट इन पहाड़ों में ट्रैवल करने का एक अलग ही मजा है। रोड देखो इतना रिस्की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक भी पत्थर नीचे आया ना तो पूरा का पूरा पहाड़ डस जाएगा, और हम सब गाड़ी के साथ शोक रिवर में। दिल में थोड़ा धक 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 हो रहा है, अब थोड़ी राहत मिल गई। 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद देना अलग अलग पहाड़, अलग कलर के पहाड़, अलग स्ट्रक्चर के पहाड़, फुल एकदम डाइवर्सिटी दिख रही है हमें। कभी पत्थर, कभी मिट्टी, कभी कभी बहुत ही बड़े पत्थर, कभी रेती के पहाड़, तो ऐसे एकदम मिक्स एनवायरनमेंट है यहाँ पे। न
नुब्रा से 4.5 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद हम लोग रुके हैं दुर्बुक विलेज में। और मेरे पीछे का एनवायरनमेंट देखो, फुल एकदम क्लाउडी एनवायरनमेंट हुआ है और हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही है। बहुत भूख लगी थी हमें, इसलिए यहाँ पे रुक के हमने राइस एंड चाउमीन ऑर्डर किया है। यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 40 किलोमीटर जाना है हमें पेंगोंग के लिए। एंट्री फी सर जी कितना? एक आदमी का 10-10 रुपए सर। 10 रुपए ना, ये लो 30 रुपए। कितना सर आप? 3 है। 30 रुपए। चलो सर, थैंक यू। किलोमीटर डिस्टेंस के बाद अभी थोड़ी सी झलक दिखाई पड़ी है पेंगोंग लेक की, वहां पे देखो। अभी यहां से 4 किलोमीटर और जाना है। फाइनली गाइज, वी आर एट पेंगोंग लेक। बहुत बड़ा पेंगोंग लेक दिख रहा है वहां से वहां तक। और मेरे बैक साइड की तरफ बहुत सारे कैंप्स, रेस्टोरेंट्स भी है और 3 डेट्स के सीट्स भी है एंड स्कूटर भी। तो हमने जस्ट अभी फ़ोटो निकाले हैं सीट्स पे बैठ के। सो 100 रुपीज़ लेते हैं 3 लोगों के फ़ोटो निकालने के लिए उस सीट पे। एंड स्कूटी पे अगर आपको फ़ोटो लेना है तो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा पानी है, मस्त मॉल, एकदम क्लीन वाटर। पेंगोंग लेक 14,000 फीट पर पहाड़ों के बीचों बीच एक शानदार लेक है। लेक बहुत ही शांत है, लेक के पास से निकलने वाली हवा बहुत ही ठंड है, बट सीनिक ब्यूटी इज मेस्मराइजिंग। बहुत ही जोर की हवा है यहाँ पे और भीड़ भी बहुत है, बहुत लोग आए। और पीछे देख सकते हो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ के इस तरफ आ रही है। और यहाँ पे देखो उधर कहीं तो दूर पे चाइना बॉर्डर है अक्साई चीन करके। तो पेंगोंग लेक के इस तरफ का हमारा इंडिया का पार्ट है और दूर वहाँ पर कहीं तो भी चाइना बॉर्डर है। पेंगोंग लेक पे थोड़ा सा टाइम पास एंड फोटोशूट करने के बाद वी आर गोइंग बैक टू द लेक। और अभी वापस हम रिटर्न जा रहे हैं दुर्बुक की तरफ। यहाँ से 40 किलोमीटर से और दुर्बुक से फिर 110 किलोमीटर है लेह। दुर्बुक से ले जाते समय हम लोग एक स्पॉट पे रुके हैं और क्यों रुके हैं उसका रीजन ये देखो। एकदम से अचानक से हमें ये फ्रोजन लेक दिखाई दिया, बट आप देख सकते हो बहुत तेज धूप है, बट इतनी जबरदस्त ठंड लग रही है ना। कार से नीचे उतरते ही मैंने कैप और जैकेट पहन लिया है, जबरदस्त ठंड है। मेरे ओट देख सकते हो, मतलब सूख सूख के पूरे छाले पड़ गए ओठों को। अभी लेह यहाँ से 90 किलोमीटर है और जाते समय हमें चांगला पास से जाना होगा। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, इस तरफ है चांगला पास। तो वो पास होने के बाद हम लोग पहुँचेंगे कारू एंड देन कारू से 35 किलोमीटर पे लेह। मस्त। जबरदस्त ठंड है। सो नाउ गाइज, वी आर एट चांगला पास एंड इसका अल्टीट्यूड है 17,688 और मीटर में 5,360। टेम्परेचर भी बहुत मस्त, जबरदस्त और ठंडा है। पीछे वाले बर्फ के पहाड़ देखो। अभी लेह यहाँ से ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर है। सो फाइनली गाइज, वी रीच्ड एट लेह। ऑलमोस्ट 5 घंटे के सफर के बाद पेंगोंग लेक से हम लोग आए हैं लेह में। सो टोटल आज की जर्नी हमारी 4 घंटे नुब्रा से लेह, उसके बाद वहाँ पे आधा पौना घंटा फोटोशूट वगैरह टाइम पास किया, उसके बाद 5 घंटे के बाद लेह में पहुँच गए हम लोग। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो
ये सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड अभी बहुत थक गए हम लोग, फ्रेश वगैरह होके खाना खा के मस्त सो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।